बैरोड क्षेत्र के कैसर गांव के 26 वर्षीय लोकेश यादव की रेवाणा गांव में बिजली के खंभे पर काम करते समय करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के समय नीम राणा उपखंड क्षेत्र के रेवाणा गांव के फीडर पर ये तीन युवक 11,000 केवी लाइन पर काम कर रहे थे, जहां मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो युवकों को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस शव को लेकर बहरोड पोस्टमार्टम गृह लेकर आई, जहां ग्रामीणों के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। ये साहब जी शिट डाउन लेके आया था ये बंदा, और इसको ऊपर चढ़ाया गया था, ऊपर काम कर रहा था, दो घंटों शिट डाउन था, पता नहीं किसी ने फोन किया और शिट डाउन दोबारा चालू करवा देगा, वहाँ पर इसकी मृत्यु। तो इसमें आप किसकी लापरवाही मानते हो? विभाग की लापरवाही है? विभाग की मानता हूँ, ठेकेदार की, दोनों की मानता हूँ, दोनों की लापरवाही। हाँ, दोनों की लापरवाही। वहीं पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी ग्रामीणों से वार्ता कर उन्हें समझाइश में लगे रहे, और वहीं पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही से हादसा हुआ। हादसे से लोगों में भारी आक्रोश है। लोकेश, भवानी और नरेंद्र, ये तीनों बिजली के टूटे पोलों पे कार्रवाई कर रहे थे सुधारने की। उस दौरान पीछे से गलती से लाइन चला दी गई, जिससे इनके फंसने की, लोकेश की मौके पर ही मौत हो गई और भवानी और नरेंद्र घायल हो गए। इसके विषय में परिजनों ने ठेकेदार चंद्रमोहन और अश्विनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसमें अभी पहले पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके, पंचायत में कार्रवाई करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अपन के लिए पूछताछ के लिए अश्विनी को बुला रखा है, जल्दी ही कार्रवाई करके कोर्ट में चालान पेश करें।